सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। वार्ड पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने प्रोसीडिंग के पेपर को मेयर के ऊपर पक्षपात लगाते हुए फाड़ दिया, जिसके कारण कई घंटे तक वहां पर हंगामा और बवाल होता रहा। पूर्व डिप्टी मेयर ने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन खोरी और घुसखोरी के कारण कोई काम नहीं हो रहा है और इस एजेंडा के तहत जो काम होना चाहिए उसमें सिर्फ रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। इसके पहले भी पटना नगर निगम में कई विवाद पहले भी हो चुके हैं और एक बार फिर से इस बोर्ड की बैठक में जो हंगामा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि आने वाला जो समय होगा वो नगर निगम के मेयर के लिए सही साबित नहीं होगा, क्योंकि जो काम होने चाहिए विकास के वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वानगी आज नगर निगम के बोर्ड में देखने को मिली। देखिए पटना से पूरी रिपोर्ट। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों ने बैठक में हंगामा किया। पूर्व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू ने प्रोसीडिंग के पेपर को ही फाड़ दिया और मेयर पर पक्षपात का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी मेयर ने साफ आरोप लगाते हुए कहा कि जो भी एजेंडा लागू हो रहा है उसमें कमीशन खोरी और घुसखोरी मेयर के नेतृत्व में चल रही है। वहीं प्रोसीडिंग के पेपर को फाड़े जाने पर यह बताया कि प्रोसीडिंग में जो भी एजेंडा था उसमें कोई भी काम नहीं हो रहा था, इसलिए पेपर फाड़ दिया गया। प्रोसीडिंग फाड़ दिया। प्रोसीडिंग में लिखा गया था कि 75 नगर निगम के वार्ड में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के कच्ची नली गली योजना के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए सभी वार्ड में आएगा। लेकिन पिछली बार महापौर ने मिली भगत करके अपने स्टैंडिंग कमेटी और एक दो पार्षदों का ही मात्र योजना लाया था। वो सारे बात पूर्व के पिछली बैठक में माननीय सांसद राम कृपाल यादव थे, पटना नगर निगम पटना शहर के 3 विधायक थे, उन सारे लोगों का वक्तव्य उस प्रोसीडिंग में नहीं है, जिसके विरोध स्वरूप हमने उस प्रोसीडिंग को आज फाड़ दिया। उस प्रोसीडिंग का कोई औचित्य कोई महत्व नहीं। आज का एजेंडा जो है, एजेंडा में मात्र आउटसोर्स एजेंसी को लागू करने के लिए है, ताकि पटना नगर निगम में फिर से जबरदस्त कमीशन खोरी घुसखोरी नगर आयुक्त महापौर के नेतृत्व में चलता रहे। एक आउटसोर्स एजेंसी को हटा रहे हैं, दूसरे आउटसोर्स एजेंसी को लगा रहे हैं, क्या मतलब है? पटना नगर निगम में जब आपका अधिकार है कि हम नियमित कर्मचारी बहाल कर सकते हैं, ठीक है, सरकार ने निर्देश दिया है तो सरकार के निर्देश के खिलाफ अपने अधिकार को पाने के लिए हमको न्यायालय में जाना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय में थी गुहार करना चाहिए। हर चीज़ के मामले में हथियार डाल के आप रखे हुए हैं। आज परिणाम ये है कि पटना नगर निगम पटना शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुआ था, लेकिन जब स्वच्छता का जो सर्वे आया उसमें पटना नगर निगम उस प्रतियोगिता में भाग लेने के भी काबिल नहीं। फिर नित्य रोज नए कचरा प्रबंधन के संबंध में नया नया प्रस्ताव आप लेके चले आते हैं। ये पटना नगर निगम का सबसे दुर्भाग्य का काल चल रहा है। जब तक सीता साहू रहेंगी पटना नगर निगम का स्थिति कभी नहीं। आज क्या स्थिति हो गई?